आज मैं बनाने जा रही हूँ किटकैट शेक, जो बनाना बहुत ही आसान है। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जार में डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और ये तैयार हो जाता है। आप बच्चे को तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए, फटाफट बना के दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। किटकैट शेक बनाने के लिए मैंने 2 किटकैट चॉकलेट लिए हैं, एक 4 स्ट्रिप वाला है, एक 2 स्ट्रिप वाला। चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के एक बोल में डालेंगे। अब इसको ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच ड्रिंकिंग चॉकलेट पाउडर डालूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप मैं ठंडा दूध डाल रही हूँ। मैंने दूध को पहले ही उबाल के फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब ढक्कन लगा के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड हो चुका है, अब ग्लास में सर्व कर लेते हैं। चॉकलेट सिरप से ग्लास को थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। ग्लास में इस तरह से डाल के घुमाते जाएंगे, डिज़ाइन बनता जाएगा। अब किटकैट शेक को ग्लास में डालेंगे। इसको 30 सेकेंड तक ब्लेंड करेंगे, जिससे क्या होता है कि चॉकलेट का चंक्स थोड़ा रह जाता है, जो इस ड्रिंक को और अच्छा बना देता है। अब इसके ऊपर से 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम डालेंगे। ऊपर से मैं चॉकलेट सिरप से थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी। ये ड्रिंक बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा, बड़े लोग को भी पसंद आता है। अगर आपके बच्चे दूध पीना नहीं चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो आज ही ट्राई करिए इस किटकैट शेक की रेसिपी को, और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।